आप सभी का जनता दरबार में स्वागत है। आज हम आए राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2023 में, जिनमें हमारे साथ हैं लोकेश जी हैं। लोकेश जी, जिस हिसाब से आजकल डायबिटीज़ बढ़ रही है लोगों में, और जो चीनी का कहते हैं डॉक्टर्स के चीनी कम खाएं, तो उसके लिए आप क्या, मतलब आपके पास ऐसे क्या प्रोडक्ट्स हैं जिससे आप डायबिटीज पेशेंट्स के? देखिए, हमारी कंपनी जो है पिछले 17 सालों से बेसिकली डायबिटीज़ पे, कैंसर पे और हेल्थ के ऊपर काम कर रही है, जिसके अंदर हम डायबिटीज़ के लिए लेके आए कि चीनी जो है वो हमारी बॉडी को ख़त्म कर रहा है, एक मीठा जहर है, पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जैगरी गुड़ को हम बहुत टाइम से पहले से काम में ले रहे हैं, पर धीरे धीरे चेंज आया, चीनी आई तो लोगों में रुझान आया टेस्ट को लेके, तो चीनी यूज़ करना शुरू किया। बट एक नेचुरल विकल्प आया है स्टीविया के नाम पर, जिसे हमने मीठी तुलसी का नाम दिया है। स्टीविया एक ऐसा प्लांट है जिसकी पत्तियाँ आती हैं, जिसकी पत्तियों को सिर्फ हम डायरेक्टली यूज़ करें एज अ चीनी की तरह, पानी को बॉईल करते हुए डालेंगे, उसका जो अर्क है वो मिठास इतना नेचुरल है और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, और वो आपकी चीनी की पूर्ति करता है। आपको डिफरेंस पता ही नहीं चलेगा कि चीनी डाली है आपने या स्टीविया डाला है। तो वहाँ पे चीनी का रिप्लेसमेंट भी होता है। दूसरा, इसके खुद के मेडिसिन वैल्यूज़ भी हैं, लाइक ये कैलोरी फ्री होता है, डायबिटीज़ के अंदर हेल्पफुल होता है। कई लोगों के अंदर हमने देखा है कि इंसुलिन बनाने में उनको हेल्प किया है डायबिटीज़ के अंदर, साथ में मोटापे के लिए, क्योंकि कैलोरी फ्री है, साथ में मेटाबॉलिज्म के लिए फ़ायदेमंद है, ब्लड प्रेशर में फ़ायदेमंद है, आयरन भी है इसके अंदर। तो इस तरह कई सारी चीज़ों में फ़ायदेमंद रहा है ये। कैविटी के लिए भी बहुत अच्छा बना गया है इसको। तो हम चाहते हैं कि इसको धीरे धीरे लोग यूज़ करें। हमने काफ़ी जगह इसको प्रमोट किया है, इसके प्लांट भी हम कर रहे हैं, ऑल इंडिया के अंदर हम कल्टीवेशन कर रहे हैं, इवन मॉरिशियस के अंदर हमने इसको कल्टीवेट किया है, वहाँ पर राइस वहाँ की गवर्नमेंट के साथ में, और वहाँ पर बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आया, और मॉरिशियस गवर्नमेंट ने हमारी कंपनी के MD डॉक्टर अतुल गुप्ता जी को सम्मानित किया था। जयपुर में ही प्रोग्राम किया गया था लास्ट ईयर, जिसके अंदर उनकी गवर्नमेंट की तरफ से लोग आए थे, डेलीगेट्स आए थे, उन्होंने यहाँ पर उनको सम्मानित भी किया था। तो हम बेसिकली स्टीविया को प्रमोट कर रहे हैं, जैसे कि ये स्टीविया है, हमने स्वीट लीफ नाम दिया है इसको। तो इसकी लीफ जो है वो डायरेक्टली आप कंज्यूम कर सकते हैं, इसका एक्सट्रैक्ट भी आता है, वाइट एक्सट्रैक्ट। जैसे कि चीनी को किसी भी चीज़ में, जैसे हलवे में डाल दिया फॉर एग्जांपल, चाय में डाल दिया, तो जैसे अगर मैं हलवे की बात करूँ, जैसे मेरे किसी नॉन के भी अगर डायबिटीज़ की बात, क्योंकि आजकल बहुत डायबिटीज़ बढ़ रही है, तो उनके हैं, उनको हलवा खाना बहुत पसंद है, तो उसको इसमें लीफ में कैसे उसको डाल के और फिर कैसे उसको मिठास ले सकते हैं? डेफिनेटली, अब जैसे कहा आपने कि स्वीट लीफ की पत्तियाँ हैं, पत्तियों को मैं हलवे में कैसे डालूँ? तो इसके अंदर क्या, इसके 4-5 फॉर्मेट्स हैं। जैसे कि लीफ है, इसके अंदर स्टीरियोसाइड एक कंटेंट होता है जो कि चीनी से 30 गुना अधिक मीठा होता है, वो लीफ में 20 से 30 गुना तक होता है। तो हम क्या करते हैं, लीफ को डायरेक्टली कंज्यूमर को यूज़ कराने के देते हैं, इसका ग्रीन पाउडर बनता है और इसका वाइट एक्सट्रैक्ट फॉर्म भी बनता है जो कि चीनी से 300 गुना अधिक मीठा होता है। फिर इसका लिक्विड बनता है, इसका एक वाइट लिक्विड आएगा, वो रहता है। तो बेसिकली हमारे पास 4 फॉर्मेट हो गए। अब जैसे मुझे हलवा बनाना है, तो उसके अंदर ग्रीन पाउडर और इसका वाइट एक्सट्रैक्ट पाउडर, जस्ट लाइक आप बूरा डालते हैं, हम हलवे में बूरा या इस तरह की चीज़ें डालते हैं, तो वहाँ पे ग्राइंड कर लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आ जाएगा। दूसरा, वाइट एक्सट्रैक्ट फॉर्म जो है वो एज अ कम्प्लीट शुगर फ्री हो गया, उसको आप डाल लीजिए, आपको पता ही नहीं चलेगा आपने क्या डाला है। वन ड्रॉप वन कप में, एक कप चाय में, बिल्कुल इनफ है, दैट्स इट, कुछ भी नहीं है अभी तक। साइंटिफिकली इसके बारे में ये नहीं कहा गया है कि इसके अंदर कोई साइड इफेक्ट आए हैं। थ्योरिकल बातें बहुत चलती हैं, बट कोई प्रूफ नहीं आया अभी तक कि इसका कोई साइड इफेक्ट है, और अभी तक कोई ऐसा पेशेंट भी नहीं आया जिसने कहा हो कि मुझे इसका साइड इफेक्ट मिला है, ऐसा कुछ भी नहीं आया। तो ये क्या आपके प्लांट्स, इसके खुद का मैन्युफैक्चरिंग है पूरा यूनिट, या फिर मतलब जैसे प्लांट्स लिए और वहाँ से लीफ तोड़ी, या फिर आप लोग कहीं से परचेज करते हैं फिर प्रोडक्ट? बेसिकली सर, हम 96 से हम कल्टीवेशन में हैं, हैनीमैन चैरिटेबल मिशन सोसाइटी HCMS हमारा एक NGO है एग्रीकल्चर के अंदर, जो 96 में बना था, तब से हम मेडिसिनल हॉर्टिकल्चर की फार्मिंग कर रहे हैं, और जितने किसान हैं उनको मेडिसिनल, राजस्थान स्टेट बोर्ड के साथ में हम काम कर रहे हैं, नेशनल पादप बोर्ड के साथ काम किया हमने, उनके साथ में हम किसानों को एग्रीकल्चर के अंदर मेडिसिनल क्रॉप्स के बारे में बताते हैं कि इस क्रॉप को करें ताकि आपको गवर्नमेंट की स्कीम्स मिलें, सब्सिडीज़ मिलें। तो उन्होंने काम करना शुरू किया, क्योंकि राजस्थान में पानी की कमी भी है शुरुआत से ही, तो वहाँ पे कम पानी के अंदर अच्छी क्रॉप कैसे करें, उसके बाद उनकी मार्केट को करने के लिए हमने डेवलप किया था। सनराइज़ ग्रुप जो था, सनराइज़ एग्रीलैंड जो हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया है, ये बेसिकली उन प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए बनाया गया एक ग्रुप था, कि हाँ किसान ने उत्पादन कर लिया पर उसका, बिल्कुल हमने फिर एक एस्टेब्लिश करी कंपनी, जिसके अंदर हम उन किसानों के साथ में काम करके उनसे क्रॉप करवाते हैं, उसकी देखभाल करवाते हैं, उसके बाद उसके लिए हमने कंपनी बनाई, इसके थ्रू हम मार्केट करते हैं ताकि किसान को उत्पादन का पैसा मिले,
टाइम पे पैसा मिले और वो भी सुखी रहे। जो ये मतलब बाकी फसल उगाते हैं और इसमें जो आप लोग बताते हैं कि हम लोग बताते हैं सिखाते हैं कि इसको उगाओ, तो उनमें क्या बेनिफिट किसानों को मिलता है उस चीज़ से? देखिए सबसे अच्छी चीज़ रहती है कि हमारा कंसेप्ट रहता है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, हम प्राकृतिक फार्मिंग को और ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे MD डॉक्टर गुप्ता काफ़ी प्रयासरत हैं। पिछले हम लगभग 2010 से ऑर्गेनिक फार्मिंग पर फोकस कर रहे हैं और हम इसके अंदर जितने भी फार्म्स हैं, जितने भी फार्मर्स हैं, उनको ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट प्लांटेशन हमारा है जिसके अंदर हम उनको फार्मिंग करवा रहे हैं। साथ में सारी क्रॉप्स के अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं वहाँ पर हम ऑर्गेनिकली ग्रो कराने के बाद उसका मार्केट जो है नेशनल और इंटरनेशनल दोनों जगह करते हैं। जी हाँ, अभी आपने देखा होगा सर, कुवैत में हमने वर्मी गोबर खाद गई थी, वो हमारी कंपनी ने फॉरवर्ड की थी। जी हाँ, हमारे क्लाइंट थे तो हमने यहाँ से उनको करवाया था। हमने अभी गोबर की राखियाँ वो भी मैक्सिमम हमने एक्सपोर्ट करी हैं बाहर, गोबर की राखियाँ भी। जी हाँ, तो उसका कुछ आपके पास ऐसा कोई फ़ोटोज़ हैं जो आप हमें बताना चाहें? कुछ है ऐसा फिलहाल मेरे पास यहाँ अवेलेबल नहीं है, बट आप हमारे पेज पे जाएंगे तो या मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा उनको। तो हमने लास्ट ईयर हमने गोबर की राखियों को प्रमोट किया था और बहुत अच्छी ब्रांडिंग की थी हमारे, बिकॉज हमारी SSG ग्रुप्स हैं, हमारे पास 2000 SSG ग्रुप्स हैं जिसके अंदर हमने गोबर की राखियाँ बनाकर प्रॉपर डेकोरेशन किया था बाई हैंड, उनको पेंटिंग की थी और वो हमने उनको वहाँ पर प्रोवाइड करवाया था। और मैक्सिमम जो थे ऑर्डर्स हमारे पास जो थे वो बाहर से, इवन मॉरिशस से। और सबसे बड़ा एक रीज़न ये भी रहा था कि गोबर की राखियाँ कभी ज़्यादा बनी नहीं है तो उसका HSN कोड भी नहीं था। नहीं, क्योंकि हमने पहली बार सुना गोबर की राखियों के बारे में कि कुछ ऐसे भी। बिल्कुल, तो गोबर की राखियाँ, इसके अलावा तो सर बहुत सारी चीज़ें, गोबर के डेकोरेटिव आइटम्स भी बनाए गए थे, गोबर के गमले बनाए गए हैं, तो बहुत सारे आइटम हैं जिनको हम प्रमोट कर रहे हैं नेशनल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, ताकि सभी को रोज़गार भी मिले। दूसरा, हमारे गाय का जो कहें कि गोमूत्र गोबर ये शुद्ध है हजारों सालों से, और उसको ही लोगों को आज की जो पीढ़ी है हमारी वो भूलती जा रही है, उनको वापस से उस तरफ लाना और उनको यूज़ करवाना, उसकी अहमियत बताना, ये हमारी कंपनी का मेन एजेंडा रहता है। तो आप लोग क्या क्या कार्यक्रम चलाते हैं, मतलब जैसे इस चीज़ को लेकर जो जिस हिसाब से डायबिटीज़ भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो आप लोग क्या क्या कार्यक्रम चलाते हैं इसको लेकर? आप सर इसके रिगार्डिंग हमारे डॉक्टर गुप्ता का एक मानना रहता है कि सबसे ज़रूरी चीज़ है अवेयरनेस, तो हम अवेयरनेस कैंप्स ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं सोसाइटी बेस पे, ऑल जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर, इंडिया के अंदर। हमारी टीम जो है वो लगातार एक्टिविटीज़ करती रहती है। आपने देखा होगा जयपुर के अंदर जवाहर सर्किल पे, स्टैचू सर्किल पे, हम बहुत बड़े लेवल पे, लार्ज स्केल पे कैंपेनिंग करते हैं। वहाँ पूरी टीम जाती है, वहाँ पर सभी को अवेयर करती है रिगार्डिंग ऑर्गेनिक हर्ब्स के बारे में, डेली हमें क्या क्या चीज़ें रूटीन में लेनी चाहिए। कोविड आया था, कोविड ने हमें एकदम से सबके मन में भय पैदा कर दिया कि ऐसी बीमारी आई है जिससे जीवन ख़त्म हो जाएगा। दुनिया डर गई थी कि कोविड आने से हम ख़त्म हो जाएंगे, पूरी दुनिया का नाश हो जाएगा, पर एक वहम था। उसके लिए हमें सबसे जरूरी सुरक्षा, अगर हम आज से ही अपने जीवन में आयुर्वेद को लेके आएंगे, हर्ब्स को लेके आएंगे डेली रूटीन के अंदर, तो हमें एक फ़ायदा रहेगा। आप गिलोय है, अश्वगंधा है, एलोवेरा है, आंवला है, आपके सफ़ेद मूसली हैं, ऐसी बहुत सारी हर्ब्स हैं जिसको आप डेली रूटीन में लेके आ सकते हैं। तो जैसे मॉडर्न मेडिसिन और आयुर्वेद मेडिसिन में ऐसा क्या फ़र्क है कि मतलब जैसे कि लोगों को ज़्यादा बेनिफिट हो आयुर्वेद से? सर जैसे कि जगत व्यापी है कि आयुर्वेद जो होता है वो बेसिकली नेचर ने दिया है, जिस नेचर ने जो चीज़ उगाई है उसका एक यूज़ होता है, उसकी एक मेडिसिनल वैल्यू होती है। लाइक मैं कहूँ एक फ्रूट ले लेते हैं अपन, जामुन। जामुन पूरे साल में 1.5 महीने आता है। जामुन डायबिटीज़ में फ़ायदेमंद होता है, उसकी गुठली फ़ायदेमंद होती है, पर वो पूरे साल चलता है। पर लोगों को उसको यूज़ करना चाहिए। लोग कहते हैं एज अ फ्रूट लेके चलते हैं, संतरा है, एप्पल है, सबके बेनिफिट लोगों को पता है। एप्पल के लिए एक आ जाता है कि डॉक्टर ने कहा है कि आप इसको एक डेली लीजिए, आप स्वस्थ रहेंगे। बट बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके आंवला हर घर में उगता है, आप पेड़ लगा सकते हैं, उगा सकते हैं, हर जगह अवेलेबल होता है इजीली। आपका एक आंवला जो आंवला का जो प्लांट जो रूट वो आता है फल, वो मोस्टली आता है अक्टूबर के बाद में, और अक्टूबर दिसंबर के बीच में आएगा। उस टाइम पे हमें जब इसे खाना शुरू करते हैं तो गर्मियाँ जो आती हैं हमारे शरीर में उसको झेलने की ताकत आती है। तो आयुर्वेद को हम अपने डेली रूटीन में कैसे ला सकते हैं डॉक्टर साहब? ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। हमें बस अपना डाइट चार्ट को मेंटेन करना है, हमें अपने आयुर्वेद पे विश्वास रखना है कि आयुर्वेद हमें बचाएगा, हमारे स्वस्थ रखेगा, फिट रखेगा। आज के टाइम में कॉन्स्टिपेशन इशू हर जगह है, तो जहाँ पे हम आयुर्वेद को लेके आए अपने जीवन के अंदर, योग को लेकर आएँ, योग एक्सरसाइज, हम कुछ ना कुछ हम अपने डेली रूटीन में लाएँ। लोगों के पास आज के टाइम में भाग दौड़ की जिंदगी में टाइम नहीं है, तो आप, मैं कहूँगा कि आप थोड़ा टाइम निकालें, क्योंकि क्या होता है आप भी जानते हैं सर कि अगर हमें कोई बीमारी हो जाती है हम हॉस्पिटल जाते हैं,
लंबी लाइन में घंटों लगे रहेंगे, 3-4 दिन का हॉस्पिटल का बिल पे करेंगे। आज के टाइम में हॉस्पिटल में एडमिट होना यानी 5,000 से लेकर 25,000 का बिल पर डे बनना मिनिमम से मिनिमम। तो वहाँ पे अगर हम आयुर्वेद यूज़ करते हैं तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास एलोपैथी जो है, जैसे आपने पूछा कि एलोपैथी को हम और आयुर्वेद को कंपेयर कैसे कर सकते हैं, आयुर्वेद जो होता है आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है, लंबे समय के लिए, लंबी आयु के लिए देता है और आपकी आने वाली पुश्तों के लिए काम करता है। रीज़न कि आनुवंशिक चीज़ें कई सार आती हैं, आप देखेंगे डॉक्टर कहता है कि ये बीमारी आपकी पुश्तों से आ रही है, जेनेटिक आ रही है, डायबिटीज़ भी जेनेटिक होती आ रही है। मैंने कई ऐसी फैमिली देखी हैं जिनकी 7 पुश्तें डायबिटिक बनती जा रही हैं, 7 पुश्तें लगातार डायबिटीज़ हैं उनके सारे। उसको रोकने का क्या ऐसे उपाय है सर? उसके अंदर सर आयुर्वेद को लेना होगा, एक्सरसाइज करनी होगी, योग करना होगा, उसके थ्रू वो उन सब चीज़ों को दूर कर सकते हैं। समय 1 घंटा 1 घंटा निकालें अपने दिन के घंटे में, जहाँ पे लोग 7 बजे उठते हैं मैं कहता हूँ 6 बजे उठ जाइए, आप 5 बजे उठेंगे आपको बहुत टाइम मिलेगा, आप आराम से तैयार होकर ऑफिस जा सकते हैं, पढ़ाई करने जा सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। समय आपके हाथ में रहेगा, आपका आपकी डाइट आपके हाथ में, आपको खुद को करना है। गांधी जी खुद करते थे सारी चीज़ें, सुभाष चंद्र बोस खुद करते थे, तो जहाँ तक हैं नरेंद्र मोदी जी हैं वो खुद कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप उनसे कम नहीं है। मैं कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी जब शुरुआत में थे वो एक कॉमन मैन थे, आज वो स्पेशल मैन है, आज देश को चला रहे हैं, देश के नेता हैं। तो वहाँ पे आप भी हैं, आपको अपने परिवार के नेता हैं, आप अपने परिवार को संभाल सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि एक गृहिणी जो है अपने परिवार की डॉक्टर होती है, अन्नपूर्णा होती है, वैसे ही हैं सभी। आपको बस अपनी जिम्मेदारी को फॉलो करना है और उस चीज़ को अपनी लाइफ में, अपने परिवार की लाइफ में ऐड करना होगा। आप जैसे लेडीज़ की बात की, अन्नपूर्णा की बात की, लेडीज़ किचन में होती हैं, तो कहते हैं किचन में ही सारी आयुर्वेद चीज़ होती है, वहीं से सारी चीज़ स्टार्ट होती है, सारी बीमारियों का इलाज वहाँ पे होता है, तो उसको आप कैसे बताना चाहेंगे जनता को? सही कहा आपने, जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, हमने एक प्रोडक्ट बनाया था, जैसे इसके अंदर हमने डाला क्या है, सिंपल सा डाला है, ब्लैक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, जिंजर, लेमन, ड्राई जिंजर, कार्डमम, स्टीविया, कुमिन, ये बेसिकली किचन के अंदर पड़ा हुआ सारा आइटम है। इसको बस मिक्स करके आपको एक चाय बनानी है, बस गर्म पानी में उबालना है, उसमें थोड़ा सा स्टीविया ऐड कर दीजिए, आपकी हर्बल टी बन गई। आप अगर देखेंगे, रिसर्च करेंगे, चाइना के अंदर हर्बल टी लोग पीते हैं, उसके अंदर 3 से 5 चीज़ें होती हैं, वही उसे गर्म पानी में उबाल के पीते हैं। पहली चीज़, गर्म पानी शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। दूसरा, जो हर्ब्स हम यूज़ करते हैं जैसे लौंग, काली मिर्च या इस तरह की चीज़ें, ये गर्म मानी जाती हैं, बट इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं। हल्दी, जिसको आई थिंक फॉरेन की कंट्रीज़ उसको पेटेंट करा रही हैं, जो कि हमारी इंडिया का ही है, तो टर्मरिक आप रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्पाइसेस हैं किचन के अंदर जो आप यूज़ कर सकते हैं। किचन को सबसे पहले ज़रूरी मैं कहूँगा, आपकी किचन जो है आपके स्वास्थ्य को देखती है, तो किचन को ऑर्गेनिक रखें। आज के समय में रसायन युक्त, यूरिया युक्त फूड बहुत चल रहा है, डुप्लीकेट फूड बहुत चल रहा है, तो आप ऑर्गेनिक ही अपनाएं। तो आप किचन को ऑर्गेनिक रखने के लिए क्या करें, ऐसा क्या मतलब क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करें, क्या करना चाहिए? देखिए, इसीलिए हमने मोस्टली क्या है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट काफ़ी कॉस्टली आ रहे हैं, तो हमारी कंपनी ने अभी राजस्थान ऑर्गेनिक फ्रेश फार्म मार्केट एक संस्थान ओपन किया है स्पेशली किसानों के लिए, जिसमें हम डायरेक्ट किसानों से ऑर्गेनिक उपज डायरेक्ट हम लेके आ रहे हैं कस्टमर्स के लिए, जिसके अंदर बीज का जो प्राइजिंग कॉम्प्रोमाइजिंग है वो हट जाता है। डायरेक्ट किसान की रेट जो है वो डायरेक्ट कस्टमर को मिलती है, चाहे वो सब्जी हो, चाहे फ्रूट हो, चाहे वो दालें हो, चाहे मसाले हो, चाहे वो ग्रेन हो, हर एक चीज़ आपको दी जा रही है, वो भी उचित रेट में। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत जो मार्केट में बहुत चीपर रेट मिल रही है उसकी रेट में मिलेगी, बट हाँ आपको एक रीज़नेबल और गुड प्राइस मिलेगी जो ऑर्गेनिक की कंपेरिजन है बहुत रीज़नेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जनता आज मेरी बात की जाए, जैसे आज हमने सनराइज़ की बात की, अगर हम कहीं और जाते हैं तो वो भी कहते हैं ऑर्गेनिक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ऑर्गेनिक है या नहीं है? ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही कि हम कैसे बिलीव करें कि ये ऑर्गेनिक है। हम मार्केट में जाते हैं, हमारे जैसे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, अवेयरनेस कर रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी क्वेरीज आती है कि हाउ टू बिलीव कि आप ऑर्गेनिक दे ही रहे हैं। तो हम उनके सामने प्रेजेंट करते हैं अपने आप को कि लाइक हम कब से फार्मिंग कर रहे हैं, कब से किस तरह काम कर रहे हैं, हमारे फार्म्स कहाँ कहाँ हैं, हम विजिट करा प्लान करते हैं, कई अपार्टमेंट्स हैं, कई सोसाइटीज़ हैं, कई ग्रुप्स हैं, वो हमसे जुड़े हुए हैं, हम उन लोगों को अपने फार्म से विज़िट कराते हैं। हमारा डेमो फार्म जो है पिंजरापोल गौशाला के अंदर है, जो हमने जयपुर सिटी के मिड में ही डाला है, तो वहाँ प्रतापनगर में पिंजरापोल गौशाला है, वहाँ पे काफ़ी बिल्कुल सही कहा आपने, उसके अंदर हमारा 168 बीघा का फार्म है ऑर्गेनिक सनराइज ऑर्गेनिक पार्क के नाम से। वहाँ पे हमारा हमने मेडिसिनल क्रॉप्स भी लगाई हैं, ग्रेन्स भी लगाए हुए हैं, वेजिटेबल्स भी लगाए हुए हैं। वहाँ पे पूरी उनको बताया जाता है कि ऑर्गेनिक कैसे होता है, क्या होता है, यहाँ पर अवेलेबल है और ये प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, तो वो कैसे भी करके उनको एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, उसके बाद वो उनको यूज़ करते हैं और इसलिए वो हम पे बिलीव भी करते हैं। हमने बात की लोकेश जी से, जिस हिसाब से भारत में डायबिटीज़ बढ़ रही है, उस वो लेकर लोकेश जी बता रहे हैं कि जो भी डायबिटीज़ पेशेंट है उसको स्टीविया की लीफ
और जो यहाँ पे ड्रॉप्स आती हैं स्टीविया की, उसको यूज़ करना चाहिए, जो डायबिटीज़ को धीरे धीरे कम करता है या ख़त्म भी करता है वो, या कम ही क्योर करता है, डायबिटीज़ को क्योर करता है, कम करता है, और शुगर रिप्लेसमेंट भी, शुगर रिप्लेसमेंट भी यही है। आज के टाइम में जो आने वाली जनरेशन है उसके पास शुगर सब्स्टिट्यूट के तौर पर हमें कुछ चाहिए, तो इसलिए ये है स्टीविया है। धन्यवाद।